अर्सेनिक पॉइजनिंग। अर्सेनिक एक बहुत ही पॉपुलर होमिसाइडल पॉइजन है। अगर हम मेटेलिक अर्सेनिक की बात करें तो यह ब्लैक कलर का होता है जो कि पॉइजनस नहीं है। अर्सेनिक के सोल्ट पॉइजनस होते हैं जैसे अर्सेनिक ऑक्साइड, अर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, जिसे क्या कहा जाता है, संख्या या समालखार कहा जाता है। ये मोस्ट टॉक्सिक है। कहाँ यूज़ किया जाता है इनका, जैसे फ्रूट स्प्रे हुआ, सीप डिप हुआ, बीट किलर, इंसेक्टिसाइड, रेड पॉइजन की तरह यूज़ किया जाता है। अब है कॉपर अर्सेनाइट, इसे कहाँ यूज़ करते हैं, कलरिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। कॉपर एसिटो अर्सेनाइट कहाँ यूज़ करते हैं, कलरिंग एजेंट और इंसेक्टिसाइड की तरह। अब आ जाएगा अर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, जिसे बटर ऑफ अर्सेनिक कहा जाता है। अब हम एक्शन देख लेते हैं। तो जो अर्सेनिक होता है वह कंबाइन होता है सल्फाइड्रिल ग्रुप से ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, इनसे ये बाइंड होगा। मेनली किस एंजाइम से, पाइरूवेट ऑक्सीडेज से बाइंड होता है और इंटरफेयर करता है सेलुलर रेस्पायरेशन को। अब हम देख लेते हैं जो अर्सेनिक होता है इसका टारगेट है वेस्कुलर एंडोथीलियम। तो यह वेस्कुलर एंडोथीलियम में परमिबिलिटी को बढ़ा देता है, टिश्यू एडिमा करता है और हिमोरेज करने का काम करता है। तो ये हमने अर्सेनिक के मैकेनिज्म देखी। अब हम देख लेते हैं साइन और सिम्टम। तो साइन सिम्टम यदि हम कहें तो एक्यूट पॉइजनिंग की बात करें तो यह सबसे पहले फल्मिनेंट फॉर्म को हम देख लेते हैं। फल्मिनेंट कब होती है, जब बहुत ही ज़्यादा मेसिव डोज ले लेते हैं, जैसे 3 to 5 ग्राम डोज लिया अर्सेनिक का तो 1 to 3 आवर में डेथ हो जाती है। किस कारण से, शॉक की वजह से, पेरिफेरल वेस्कुलर फेलियर की वजह से। यहाँ GI सिम्टम अब्सेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टाइप की, यही पॉइजनिंग मोस्ट कॉमन होती है। तो ये किससे रिजेंबल करती है, जैसे GI सिम्टम अपन देख लेते हैं, ये रिजेंबल करती है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग से। इसमें बर्निंग पेन और कोली की पेन होता है GIT में। यहाँ इंटेंस थ्रस्ट होगी पर्सन को और उसमें वोमिटिंग होगी, मतलब प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। तो ये कॉन्स्टेंट फीचर है, उसको थ्रस्ट मिलेगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मिलेगी और उसको फ्रिक्वेंट और इनवोलेंट्री स्टूल एक्सपेल आउट होगा। फ्रिक्वेंट बार बार और इनवोलेंट्री स्टूल एक्सपेल होगा। स्टूल जो होगा उसकी खासियत है कि वह पहले डार्क कलर का होगा और ब्लडी होगा और बाद में वह कलरलेस ऑर्डरलेस राइस बैटरी बन जाता है, जैसे कोलेरा में होता है राइस बैटरी। अगर अपन देखते हैं जो GI सिम्टम में गार्लिक, इसमें गार्लिक ऑर्डर रहती है ब्रेथ की और स्टूल की गार्लिक ऑर्डर रहती है। गार्लिक ऑर्डर और हमें कहाँ दिखती है, हमें फास्फोरस पॉइजनिंग में दिखती है, हमें एल्युमिनियम फास्फाइड में दिखती है और अर्सेनिक में। तो हम कर ही रहे हैं, आगे आ जाएगा। अब GI सिम्टम के बाद हम देखते हैं हिपेटिक। लीवर में क्या होगा, फैटी इन्फिल्ट्रेशन। रीनल में ओलिगोयूरिया। CVS में एक्यूट सर्कुलेटरी कोलेप्स मिलेगा। CNS की बात करें तो CNS में जनरल पैरालिसिस मिलेगा और ग्लव एंड स्टोक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ये क्या होता है, ग्लव्स और स्टोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है हैंड और फीट में। अब हम आगे देख लेते हैं नार्कोटिक फॉर्म। तो अभी हमने कंप्लीट करा था फल्मिनेंट फॉर्म, सेकंड हमने कंप्लीट करा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, अब हम कर रहे हैं नार्कोटिक फॉर्म। जो नार्कोटिक फॉर्म है उसमें मेनली CNS के सिम्टम पाए जाते हैं, GI सिम्टम बहुत ही कम होते हैं, वेरी स्लाइट होते हैं। तो CNS सिम्टम जैसे ग्रीडीनेस, डिलीरियम, कोमा और डेथ होती है। फेटल डोज की बात करें तो इसमें 0.1 से 0.2 ग्राम अर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, अर्सेनिक ट्राईऑक्साइड के 0.1 से 0.2 ग्राम अर्सेनिक ट्राईऑक्साइड मोस्ट टॉक्सिक है। फेटल पीरियड की बात करें तो 1 to 2 डेज। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ इमेटिक नहीं दिए जाते, नो इमेटिक। स्टोमक बॉस करेंगे रिपीटेडली विद बार्म वाटर और मिल्क से। हम बटर और ग्रीसी सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं, ये प्रिवेंट करता है अर्सेनिक के अब्जॉर्प्शन को। अब एल्कली हमें नहीं देना, क्योंकि ये एल्कली जो होते हैं सोलिबिलिटी को इनक्रीज़ कर देते हैं अर्सेनिक की, तो पॉइजनिंग के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अब हम बाल यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलामिन यूज़ करते हैं, ये चिलेटिंग एजेंट है, पर मोर प्रेफर्ड किए जाते हैं DMSA और DMPS। आगे आ जाएगा, हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को यूज़ करते हैं ओरली, क्योंकि ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड टॉक्सिक अर्सेनिक को नॉन टॉक्सिक अर्सेनिक में कन्वर्ट कर देता है। आगे आ जाएगा हीमोडायलिसिस, यदि रीनल फेलियर है तो हीमोडायलिसिस करते हैं। आगे अगर अपन बात करें PM अपेरेंस एक्यूट पॉइजनिंग में क्या होगा, यहाँ कोलेरा लाइक सिम्टम होते हैं। यहाँ क्या होता है अगर अपन देखेंगे तो यहाँ डिहाइड्रेशन होता है पूरा। तो अगर अपन जो बॉडी रहेगी वह संकन आईवॉल मिलेगी, साइनोज्ड स्किन रहेगी और संकन बॉडी ड्यू टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि एमिसिस थी, यहाँ स्टूल जो हो रहा था
था इनफ्रिक्वेंट, बार बार और फ्रिक्वेंट स्टूल बन रहा था। आगे आ जाएगा अपना इंटरनल फाइंडिंग, जैसे स्टोमक में अगर अपन देखेंगे तो रेड वाल्विटी स्टोमक और स्ट्रॉबेरी स्टोमक मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, रेड वाल्विटी स्टोमक और स्ट्रॉबेरी स्टोमक मिलेगा। अब म्यूकोसा जो होगी वो रेड हो जाएगी, एडिमेस्टस सोलन हो जाएगी और स्पेशली ये पाइलोरिक रीजन में होगा। आगे आ जाएगा आर्सेनिक पेनिट्रेट कर जाता है स्टोमक से और अपेयर होता है लीवर में, ओमेंटम में और एंडोकार्डियम में। तो ये अपेयर होगा और जब इसका पुट्रिफिकेशन होगा बॉडी का तो हमें वहाँ येलो स्टिक मिलती है। आगे आ जाएगा लीवर, स्प्लीन, किडनी, स्टोमक, ब्रेन सब कंजेस्टेड हो जाएंगे। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि सब एंडोकार्डियल पेटिकियल हीमोरेज मिलता है वेंट्रिकल में। तो जो वेंट्रिकुलर की एंड सब एंडोकार्डियम पेटिकियल हीमोरेज मिलेगा वेंट्रिकल में, ये टिपिकल फीचर है आर्सेनिक का। यदि इट इज प्रेजेंट इवन स्टोमक सो लिटिल इरिटेशन साइन, चाहे लिटिल इरिटेशन साइन है स्टोमक में फिर भी अगर हमें ये मिला तो आर्सेनिक पॉइजनिंग है। अब हम देख लेते हैं क्रोनिक पॉइजनिंग। क्रोनिक पॉइजनिंग का मतलब ये होता है कि एक्सीडेंटल रिपीटेड स्मॉल डोज को बार बार रिपीट करके इंजेक्शन कर रहा है, या फिर कोई ये होमिसाइडल नेचर का भी हो सकता है, कोई स्मॉल डोज को बार बार रिपीट कर रहा हो। तो जो नेपोलियन बोनापार्टे डाई ऑफ आर्सेनिक, मतलब जो एक क्रांतिकारी हैं अपने नेपोलियन बोनापार्टे, इनकी जो क्रांतिकारी हैं इनकी डेथ जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग से हुई थी, तो हम इसको इस रिमेंबर कर सकते हैं। तो यहाँ बी से बोनापार्टे, तो बी से ब्लैक फुट डिसीज, ओ से ऑक्साइड, जैसे ट्राई ऑक्साइड मोस्ट टॉक्सिक होता है, एन से न्यूप्लासम करता है, न्यूप्लेजिया जैसे स्किन, लंग और ब्लेडर कैंसर करता है, उसके बाद ए से एनीमिया, एलोपेसिया मतलब हेयर लॉस होगा, पी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऐसे एलरीज मिस लाइन, ये यहाँ वाइट कलर की बेंड मिलेगी अपने को नेल में, तो वाइट बेंड इन नेल जिसे बोलते हैं एलरीज मिस लाइन, आर से रेंड्रोप पिगमेंटेशन, टी से टेरिटोजेनिक होता है ये, ई से इरप्शन ऑन स्किन मिलता है मतलब हाइपर केरोटोसिस मिलती है। तो ये इससे हमें याद हो जाएगा क्रोनिक पॉइजनिंग में क्या सिम्टम रहेंगे। अब हम देख लेते हैं क्रोनिक पॉइजनिंग में पोस्टमार्टम अपेयरेंस क्या होता है। अगर स्टोमक को हम देखेंगे तो यहाँ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस मिलेगी और पेटिकियल हिमोरेज मिलता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एक इंपॉर्टेंट फीचर है, तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस और पेटिकियल हिमोरेज, लीवर के में फैटी डिजनरेशन और सीवियर नेक्रोसिस मिलती है। यहाँ नेक्रोसिस भी एक मेन फीचर है, तो लीवर की नेक्रोसिस मिल रही है, मायोकार्डियम की नेक्रोसिस मिल रही है, किडनी की नेक्रोसिस मिल रही है, हाइपरकेरिडोसिस और एलरिच मिसलाइन तो अपन ने फीचर भी देखा था और पोस्टमार्टम अपेयरेंस में भी मिलेगा। टेस्ट क्या किया जाता है आर्सेनिक पॉइजनिंग को पहचानने के लिए, मार्स टेस्ट, रेंच टेस्ट और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कराई जाती है। अब हम जानते हैं कि मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस या सर्कमस्टेंसेस ऑफ पॉइजनिंग देख लेते हैं। तो आर्सेनिक एक पॉपुलर होमिसाइडल पॉइजन है, अपन ने बोला था पॉपुलर होमिसाइडल पॉइजन है। क्या एडवांटेजेस के, जैसे ये सस्ता होता है, चीप होता है, कोई कलर नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, स्मेल नहीं होती, कम डोज की जरूरत पड़ती है, इजीली आसानी से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं फूड और ड्रिंक के साथ, सिम्टम इसमें ग्रेजुअली आते हैं और रिजेंबल करते हैं कोलेरा जैसे। डिसएडवांटेज क्या है, ये डिसएडवांटेज भी है इसके कुछ की, ये डिलेड पुट्रीफाइड होता है तो ये डिटेक्ट हो जाता है, कंप्लीटली डिकम्पोज बॉडी हो गई तो भी ये डिटेक्ट हो सकता है। ये नेल में, बोन में और हेयर में पाया जाता है, हमें मिल जाएगा नेल में, बोन में, हेयर में, तो डिटेक्ट हो जाएगा आर्सेनिक और डिटेक्ट इन एस मतलब राख में भी हमें डिटेक्ट हो जाएगा। अब आ जाएगा कि इसके सुसाइडल पॉइजन रेयर होती है क्योंकि इसमें मच पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है। आगे जाएगा अबॉर्शन स्टिक में यूज करते हैं आर्सेनिक को, केटल पॉइजन की तरह और एफोरडिसियक की तरह यूज किया जाता है। तो यह हमने कंप्लीट करा आर्सेनिक पॉइजनिंग। थैंक यू।